तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अभिषेक चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल वन टेक गेमर। तो दोस्तों बात की जाए पहली कैटेगरी की, तो पहली कैटेगरी है रेसिंग, और इस रेसिंग कैटेगरी में नंबर वन पोजीशन पर आता है एनएफएस मोस्ट वांटेड। दोस्तों एनएफएस मोस्ट वांटेड बहुत ज्यादा शानदार, बहुत ज्यादा बेहतरीन कार रेसिंग गेम है। ग्राफिक क्वालिटी तो माशाल्लाह भाई एक नंबर है, वो देख के नहीं बोल सकता भाई 500 गेम सब ये बोलेंगे 2 या 3 GB का हो गए। और जिसने जिंदगी में एनएफएस मोस्ट वांटेड नहीं खेला ना, उसने कुछ ही नहीं खेला भाई। ऐसे तो बहुत तरह के एनएफएस होते हैं, जैसे एनएफएस अंडरग्राउंड हो गया, एनएफएस अंडरकवर हो गया, एनएफएस अंडरवर्ल्ड हो गया। ये तो गलत बोल दिया, अंडरवर्ल्ड तो कोई नहीं होता, लेकिन एनएफएस मोस्ट वांटेड सबसे बेहतरीन यही है क्योंकि इसकी ग्राफिक क्वालिटी मेन पॉइंट है। और जिसने ये गेम नहीं ना भाई, वो जाके खेल लेना, और खेल लिया तो बहुत बढ़िया बात है यार। दूसरी कैटेगरी में चलते हैं दोस्तों। दूसरी कैटेगरी है वो है शूटिंग। शूटिंग कैटेगरी के नंबर वन पर आता है काउंटर स्ट्राइक। नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो सुन लेना भाई। काउंटर स्ट्राइक में ये होता है, हमें बॉम्ब डिफ्यूज करना पड़ता है और हमें लोगों को मारना पड़ता है। हमें मिशंस मिलते हैं कि ये बंदूक यूज करके उसको मारना है, राइफल यूज करके उसको मारना है, पिस्तौल यूज करके उसको मारना है, देसी कट्टा लेके उसको मारना है। हमें मिशंस पूरे करने होते हैं, 3 स्टेजेस खुलती है, उनको पार करोगे 3 और खुलेगी। ग्राफिक क्वालिटी की बात करी जाए इतनी अच्छी नहीं है भाई, आईजे के सामने इसकी ग्राफिक क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन कहा जाए शूटिंग का, तो शूटिंग नंबर वन पर आती है, और ये लो एंड पीस में भी चल जाती है जिसकी सिर्फ 2 GB रैम होती है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो चलते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ, जो है क्या मिशन। तो दोस्तों तीसरी कैटेगरी है वो है मिशन, और इसमें नंबर वन की पोजीशन हासिल करता है भाई अपना आईजीआई। आईजीआई नहीं खेला गया, आईजीआई 1, आईजीआई 2 और आईजीआई 3 आने वाला है, और ये रियल बात है, इस पे वीडियो आने वाली है मेरी। तो दोस्तों बात की जाए आईजीआई गेम की, तो ये बहुत ही ज्यादा शानदार गेम है, दिल से कहूं तो भाई एक नंबर गेम है। मैंने बचपन में बहुत खेला भाई, एक ही चांस में मैंने मिशन कंप्लीट कर दिए थे। और ग्राफिक क्वालिटी कहा जाए तो भाई एक नंबर है, काउंटर स्ट्राइक इसके सामने कुछ भी नहीं है ग्राफिक क्वालिटी की बात की जाए तो। इस गेम में हमको टास्क मिलते हैं, जैसे हमें किसी टैंक पर बम लगाना है, हमें किसी को मारना है, हमें किसी को बचाना है, मतलब इसमें हम कहीं भी जा सकते हैं, पेड़ पर चढ़ सकते हैं, पेड़ पर तो नहीं चढ़ सकते, पहाड़ पर चढ़ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं भाई। तरह तरह की बंदूक ले सकते हैं, बम के गोले ले सकते हैं, टैंक को उड़ा सकते हैं। मेरा बस चले ना भाई आईजीआई को नंबर वन गेम घोषित कर दूं मैं, मेरा बस चलता नहीं है ना, मैं कर दूं ये। और जिसने ये गेम नहीं खेला ना, तो भाई जाके खेल लेना, नंबर वन गेम है काउंटर स्ट्राइक, जाए भाड़ में। और चलते अपनी नेक्स्ट कैटेगरी जो होती है ओपन वर्ल्ड। तो दोस्तों चौथी कैटेगरी वो है ओपन वर्ल्ड, और ओपन वर्ल्ड का नाम सुनते नाम आता है जीटीए वाइस सिटी। ये गेम हर किसी ने जिंदगी में एक बार तो खेला ही है, ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जो गेम खेलता और जीटीए वाइस सिटी नहीं खेला। मेरे को अभी भी पसंद है यार ये गेम, मैंने आज से 10 साल पहले खेला था और आज भी खेलता हूँ, कई बार मन हो जाता है क्योंकि इसकी ग्राफिक क्वालिटी कहा जाए तो बहुत शानदार है। जीटीए सैन एंड्रियास की भी इसके सामने कुछ भी नहीं है ग्राफिक क्वालिटी, और ये 2 GB रैम वाले कंप्यूटर में आराम से चलता है, कभी अटकता नहीं है। तो दोस्तों बात की जाए जीटीए वाइस सिटी गेम की, इसमें बहुत ज़्यादा शानदार मिशन है, इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी का मतलब गाड़ी ले सकते हो, बाइक ले सकते हो, नाव ले सकते हो, हवाई जहाज उड़ा सकते हो, और किसी आदमी को उड़ा सकते हो। मतलब मिशन की तो बात की जाए बहुत ही ज्यादा शानदार मिशन है, और इतनी बड़ी सिटी है भाई, कहीं भी घूम सकते हो, ओपन वर्ल्ड गेम है, मतलब कुछ भी कर सकते हो। ये गेम जिसने जिंदगी में नहीं खेला उसने कुछ ही नहीं खेला, ये डायलॉग तो मेरा पक्का हो ही गया। तो दोस्तों आप इस गेम में तरह तरह के चीट कोड यूज करके बाइक ले सकते हो, गाड़ी ले सकते हो, अपनी हुलिया बदल सकते हो, मतलब स्किन चेंज कर सकते हो, वेदर चेंज कर सकते हो, और इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, और उस वीडियो पर तुम्हारा बहुत अच्छा प्यारा है, मतलब 18,000 व्यूज ऑलरेडी हो चुके हैं। मेरा तो ये मानना है भाई ये गेम बहुत ही ज्यादा शानदार है। तो चलते अपनी पांचवी कैटेगरी जो होती है साइंस फिक्शन और एडवेंचरस। दोस्तों पांचवी कैटेगरी है वो है साइंस फिक्शन और एडवेंचर, और इसमें नंबर वन की पोजीशन हासिल करता है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स रिटर्न टू द किंग। इसकी पिक्चर्स भी आ रखी है, मैंने सारे पार्ट देखे, मेरी फेवरेट मूवी है भाई, हैरी पॉटर के बाद तो यही मेरे फेवरेट है। तो दोस्तों उस मूवी पे ये गेम बना हुआ है, और एकदम स्टोरी गेम है, मतलब इसमें जो मूवी पे देखने को मिलता है ना वो इस गेम के अंदर देखने को मिलता है। इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, इसमें तरह तरह के आपके पास मैजिक पावर्स होती है, ये भी एक तरह का ओपन वर्ल्ड गेम है, इसमें आप जंगल के अंदर जाते हो, मतलब ग्राफिक क्वालिटी बहुत ही ज्यादा शानदार है, एडवेंचरस है, मैजिक की पावर्स मिलती है, मिशंस पार करने पड़ते हैं, लोगों को मारना पड़ता है, आपको किले के ऊपर चढ़ के रक्षा करनी पड़ती है, मॉन्स्टर्स को मारना पड़ता है, मतलब बहुत ही ज्यादा शानदार गेम है। हैरी पॉटर के बाद तो यही बहुत ज्यादा शानदार गेम है। तो जिसने नहीं खेला भाई जाके गेम खेलो, अगर मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर, घंटा दबा देना, बहुत देर हो गई है वीडियो बनाते हुए, तो लाइक तो जरूर कर देना भाई, बहुत मेहनत करी। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स पीस आउट। We'll be right back.